गाइस, वेलकम टू पुरानीगाड़ी.com। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इको के बारे में। मारुति इको जो कि मॉडल नंबर है 2011, जो गाड़ी चली हुई है केवल 55,000 विद सर्विस रिकॉर्ड। फर्स्ट ओनर कार है और कार आपको मैं बता दूं 7 सीटर कार है। और बहुत सारे लोग जो है ना सर्च करते हैं, और बहुत सारे लोगों की मेरे YouTube चैनल पे क्यूरी थी कि सर एक्चुअली आप इको कार डालिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इको कार दो जगह प्रॉफिटेबल होती है। आपको जो अर्निंग है इको कार की वो तुरंत निकाल के दे देती है। अगर आप इसे आज परचेज करते हैं, जो इसकी कस्टमर प्राइसिंग है इको की, वो जो ऑनर मांग रहा है, इसकी जो कॉस्टिंग है, वो ऑनर ने मुझे 2 लाख रुपए बताई है। काफ़ी अच्छी कंडीशन में कार है, वाइट कलर की कार है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसे बुकिंग पे भी चला लेते हैं केवल 6 महीने, तो आप इसकी कॉस्टिंग निकाल देते हैं और उसके बाद गाड़ी आपकी हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में कार है, बुकिंग पे बहुत ज़्यादा चलती है गाड़ी, स्कूल्स में बच्चों को ले जाने और लाने के काम आती है ये कार। तो गाइस, बहुत ही अच्छी कार है, फटाफट इसे परचेज करिए क्योंकि बहुत अच्छा प्राइस भी है। अगर आप इसे लोन पर लेना चाहेंगे तो जो गाड़ी आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी केवल 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करिए, 40 या 42,000 समथिंग डाउन पेमेंट करिए और फटाफट इस गाड़ी को परचेज करिए। अगर आप इसे कैश में लेना चाहते हैं तो डिमांड तो यूज़र की 2 लाख की है, बट साइज मेरे अकॉर्डिंग 90 या 180 में भी बात बन सकती है। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, फटाफट इस गाड़ी को परचेज करें। आइए बात करते हैं फटाफट इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में। जैसे कि हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, हमेशा मैं गाड़ी अपने दिखाता भी रहता हूँ कि गाड़ी किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं टायर्स वगैरह जेन्युइन कंडीशन में टायर हैं बॉस, और परफेक्ट कंडीशन में कार है। पीछे की बैक लाइट आप देख ही रहे हो, ज़बरदस्त कंडीशन में है। पूरी गाड़ी जो है बहुत अच्छी कंडीशन में है, पीछे आप देख ही रहे हैं पूरी गाड़ी की कंडीशन। और जैसे कि हमेशा मैं बोलता रहता हूँ अपने यूज़र से कि भाई, गाड़ी लेते समय ना सारी चीज़ें चेकआउट किया करो, विद इंजन, विद साइड मिरर, है ना, सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद तभी गाड़ी परचेज भी करो। टायर्स एकदम न्यू जेन्युइन कंडीशन में, और मेरे अकॉर्डिंग यार प्राइस भी अगर ये गाड़ी अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर ये 90 180 तक बात बनती है तो बहुत ही अच्छी कार है। फटाफट इस गाड़ी को परचेज करिए अगर ये बात बन जाती है तो यूजर से, है ना। जैसे कि हमेशा मैं बताता रहता हूँ, ये जो है ना ये भी गाड़ी एक एडवोकेट की कार है। और जैसे कि हमेशा मैं दिखाता हूँ अपने यूज़र्स को, है ना, कि सारी चीज़ें ये कि किसकी कार है, किसकी कार नहीं है, ऑनर कौन है इस गाड़ी का। तो भैया एडवोकेट की कार है, बिल्कुल भी ना चूकें, क्योंकि ज़्यादा चली नहीं है और विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली हुई है, जितनी भी चली हुई है, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल भी देरी ना करें गाड़ी को परचेज करने पे। आप यहाँ पे स्टीयरिंग देख ही रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके अंदर एसी जो है वो रनिंग कंडीशन में है, म्यूजिक सिस्टम भी है, और एक्चुअली पूरी गाड़ी की कंडीशन मैं आपको दिखा दूं, सिचुएशन देख ही रहे हैं, सीट कवर जेन्युइन है गाड़ी के, कोई भी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है नहीं। पीछे छोटा सा यहाँ पे मिरर दिया गया है और बहुत ही परफेक्ट कंडीशन में कार है। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, फटाफट इस गाड़ी को परचेज करें। यहाँ पे भी आप सीट कवर देख रहे हैं, पूरा जेन्युइन सीट कवर है पूरी गाड़ी के, और पीछे पूरा स्पेस है ये आप देख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी कार है, पीछे भी आप एक सीट रखवा सकते हैं गाड़ी के, और कहीं से भी कोई भी डैमेजिंग नाम की चीज़ नहीं है गाड़ी के अंदर, समझ रहे हैं। सच में मैं आपको बता दूं, काफ़ी जब भी मैं अपने चैनल पे जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूं, और उन्हीं यूज़र्स को बता दूं जो इस गाड़ी को लेना चाह रहे हैं, तो फटाफट मेरे अकॉर्डिंग लीजिए और इसे बुकिंग पे यूज़ करिए, चाहे स्कूल में करिए, चाहे आप। और मैं बता सकता हूँ कि इसकी कॉस्टिंग केवल आप 6 मंथ में निकाल के इस गाड़ी को फ्री कर लेंगे और फिर आपकी गाड़ी ये हो जाएगी ऑल्सो, है ना। दिल्ली नंबर कार है तो दिल्ली वालों के लिए ये आसानी है कि फटाफट ये लोन पे तुरंत आप इसे लोन पे ले सकते हैं। अगर बाहर वाले लोग अगर इसे लोन पे लेना चाह रहे हैं तो मैं उनके लिए बता दूँ, अगर आप इसे लोन पे लेना चाहेंगे तो आपको जो है ना पर्सनल लोन लेके फिर आप इस गाड़ी को परचेज़ कर पाएंगे। तो जैसा कि हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर इस गाड़ी को आपको जैसे परचेज़ करना है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या करना होगा। टायर्स एकदम जेन्युइन कंडीशन में आपको दिख ही रहे हैं। तो जैसा कि हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर आपको इस गाड़ी को परचेज़ करना है तो फटाफट जो है ना हमारे YouTube डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ जाके इंक्वायरी फॉर्म फिल करिए, अपना नेम सबमिट करिए, ईमेल आईडी डालिए और मोबाइल नंबर डाल के वहाँ पे सबमिट करिए, फटाफट आपके पास बैक कॉल आ जाएगा 24 आवर्स के अंदर, आप इस गाड़ी को परचेज़ कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्यूरी आ रही थी कि सर बाहर कैसे लोन होगा, बाहर वाले को कैसे हम परचेज़ कर पाएंगे। तो गाइस, पर्सनल लोन लीजिए अपनी ही बैंक से और फटाफट आइए और इस गाड़ी को परचेज़ करिए। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो फटाफट आपके पास लोन पास हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस गाड़ी को आप आसानी से परचेज़ कर पाएंगे। साथ साथ मैं बहुत सारे कस्टमर्स को ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि बुकिंग पे बहुत ज़्यादा गाड़ी यूज़ होती है, तो बुकिंग पे मेरे अकॉर्डिंग 6 मंथ में कॉस्टिंग, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, निकल जाएगी और आप इसे आसानी से चला भी जाएंगे। ये एक एडवोकेट की कार है, जिसकी मैं पहले ही बोल चुका हूँ, विद सर्विस रिकॉर्ड केवल चली हुई है 55,000। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, फटाफट इंक्वायरी फॉर्म फिल करें और परचेज करें। अगर आप अपनी गाड़ी को बेचना चाह रहे हैं या फिर
कोई पुरानी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो पुरानी गाड़ी डॉट कॉम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बॉस। तो बिल्कुल भी वहाँ जाके लॉग इन करिए, रजिस्टर करिए और फटाफट गाड़ी को परचेज करिए, बिल्कुल भी देरी ना करें गाड़ी परचेज करने में। तो गाइज जैसे कि हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइज मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।